नमस्कार, सीटीवी ब्रेकिंग में आपका स्वागत है। और बड़ी खबर यह है कि नीमच में 7 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। जी हां, 7 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और नीमच में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो गई है 35। पहले यहां संख्या 4 थी, 4 से बढ़कर 8 हुई, 8 से 13 हुई, 13 से डबल होकर 28 हुई और 28 के बाद अब 35 तक पहुंच गई है। नीमच में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। जो 7 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं उनमें से 3 हम्बल मोहल्ला क्षेत्र के हैं, 2 नया बाजार क्षेत्र के है, 1 टेगोर मार्ग क्षेत्र का है और 1 हिंगोरिया फाटक के क्षेत्र का है। बड़ी आश्चर्य की खबर यह है कि इनमें एक दूध वाला पॉजिटिव पाया गया है। अगर यह दूध वाला पॉजिटिव निकला है तो आप सोच सकते हैं कि कोरोना पॉजिटिव और संक्रमितों की संख्या कहां तक पहुंचेगी। साथ ही एक 5 साल का बच्चा मिला है जिसको लेकर भी दहशत का माहौल है। दहशत क्या है, लेकिन हमको इसके बीच एक जागरूकता रखना है और जागरूकता इस चीज की रखना है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और घरों में रहना है। नीमच में बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव संख्याओं को लेकर प्रशासन ने भी चिंता जताई है। कलेक्टर जितेंद्र राजे और एसपी मनोज राय ने लोगों से अपील की है कि वे लॉकडाउन का पालन करें और घरों में रहें। लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिवों को देखते हुए नीमच में और आसपास के जो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां भी लोगों ने खुद सतर्कता बरती है, अपने अपने क्षेत्रों को सील कर लिया है, बाहरी लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है। यह बहुत जरूरी है कि जब तक हम जागरूक रहेंगे हम इस कोरोना से जंग लड़ते रहेंगे। कोरोना की जंग में बचाव ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर हम इससे जितना बचेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और साथ ही लोगों से दूरी बना के रखेंगे। 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है और हमें अपने परिवार की और हमें अपने खुद की सुरक्षा करना है तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सीटीवी ब्रेकिंग में अब तक जो आपने देखा, लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिवों की संख्या किस तरह से बढ़ रही है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि नीमच के 2 डॉक्टर परिवार इसकी चपेट में आ गए हैं। इन डॉक्टर परिवारों के 5-5 सदस्य कोरोना से जंग लड़ रहे हैं और आप सोच सकते हैं कि जब डॉक्टर परिवार अगर इसकी चपेट में आए हैं तो आम लोगों तक यह बीमारी किस तरह से तेजी से फैल रही है। इसलिए जागरूक रहें, सतर्क रहें, घरों में रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। मैं नीमच के जिले वासियों को सूचित करना चाहता हूं, आज हमारे 59 सैंपल्स की रिपोर्ट आई है जिसमें से 7 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये 7 में 7 जो पॉजिटिव पाए गए हैं इनका बैकग्राउंड पुराने जो घंटाघर क्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्र है उन्हीं के प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स में है। ये सारे लोग हमारे क्वारंटाइन में हैं, इनको अब हम लोग DH में शिफ्ट करेंगे। इसके साथ साथ हमारे कुछ सैंपल अभी और पेंडिंग हैं जिनकी रिपोर्ट्स कल आना बाकी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये सारे जो केसेस निकल के आ रहे हैं सारे एसिम्प्टोमेटिक हैं अभी तक, और ये सारे ही जो हमारे फर्स्ट और सेकंड केसेस जो निकले थे उनके ही जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट जिसे हम बोलते हैं उनकी हिस्ट्री वाले हैं। इनकी रिपोर्ट्स सैंपल्स हम लोगों ने 2 से 3 दिन के अंतराल में लिए हैं जिनकी रिपोर्ट्स शनै शनै आ रही हैं। मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं कि अपने घरों में रहें, हमने कंप्लीट लॉकडाउन किया हुआ है और आगे आने वाले दिनों में हम इसको और सख्ती करेंगे जिससे ये चेन टूटे। ये जो हमारा घंटाघर का एरिया है ये इसमें हमारा सर्वे 1 राउंड कंप्लीट हो चुका है और हम 2 दिन बाद फिर इसमें दोबारा एक एक्टिव सर्वे करेंगे और जो जो लोग में जिनमें थोड़े भी लक्षण लगेंगे या इस तरह की कोई और हिस्ट्री मिलेगी उनको भी हम लोग उनका सैम्पलिंग कराएंगे जिससे अधिक से अधिक लोगों की हमारी जो है सूचना आ पाए और जो इस तरह के लोग संक्रमित एसिम्प्टोमेटिक लोग जो हमारे बीच में हैं उनका हम लोग जांच कर पाए और उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर पाए।